बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साह जी, आप सभी सुंदर साह जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों से सत सत नमः। सुंदर साह जी, श्री परम धाम 25 पक्ष चाशनी के माध्यम से अपने संपूर्ण हुए, राधा कोशिश ये हुई धनी की मेहर से सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से। इस बार जो हमने चाशनी करी उसमें सदगुरु महाराज श्री जोहरदास महाराज जी से संपूर्ण गिनतियों को लेते हुए हमने शोभा को अच्छे से किया। संपूर्ण 25 पक्ष सागरों की शोभा भी अपनी संपूर्ण हुई। अब लास्ट में महाराज जी सागरों का बातुन जाहिर बयान करते हैं, तो वो भी महाराज श्री जी के वचनों से, जुगलदास महाराज जी और सदगुरु महाराज श्री जोहरदास महाराज जी के वचनों से उन शोभा को भी करने का प्रयास करते हैं। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर, इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर, ऐसे हक दिल में कई सागर। श्री राज जी के हृदय से आवे इलम की एक बूंद, ज्ञान की एक बूंद से ये जो चराचर ब्रह्मांड है ये अखंड हो गया, अखंड की मुक्ति हो गई ना। तिन कायम किए थिर चर, जब एक ऐसी बूंद की महिमा है तो ऐसे अनंत के अनंत सागर धाम धनी श्री राज जी के दिल में विराजमान है। तो अपने आठों सागर भी श्री राज जी के दिल में ही विराजमान है। आठों सागर मूल मिलावे के जो कहे गए। अब ये है जुगलदास महाराज जी के बड़ी वृत्ति से, अष्ट सागरन को जाहिर बातुन मिला, तो ए अष्ट हो समुन्दर श्री राज श्री ठकरानी जी और समस्त श्री सुंदर साह जी जो वाहिदत में है, और इन वाहिदत के अंगन में जो शब्दातीत सच्चिदानंद की नूरमयी सामग्री है वह चित रूप सामग्री के अष्टु समुद्र भये हैं। शिराजी श्री श्यामा जी और सुंदर सार एक वाहिदत में। आज हम हक इलम से जानते हैं, मार्फत की दृष्टि से अगर देखते हैं तो परम धाम में एक शिव राजी है और उन्हीं राजी से संपूर्ण विस्तार है ना। ये चपाई भी अपने को सागर के पहले ही प्रकरण में मिलती है। जिमी जात भी रू की, रू जात आसमान, जल तेज बाई सब रू को, रू जात अर्श सुगा। भूमि से लेकर आकाश तक जल तेज वायु सभी आत्म स्वरूप धाम धनी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप, और ब्रह्म आत्माएं मोमिन तो स्वयं धाम धनी की अंग स्वरूपा। पशु पक्षी या दरखत रू जिनस है सब, हक अर्श वाहिदत में दूजा मिले न कछुए का। तो आज मार्फत की दृष्टि से हक इलम से अपने को यह दृढ़ हो गया कि परम धाम में एक शिवराजी है। मार्फत की दृष्टि से देखते हैं तो, लेकिन हकीकत की लीला के विस्तार में अपने को राज श्यामा जी सखियां आगे परम धाम के 25 पक्ष जिनमें अर्श सागर भी हो गए और पशु पक्षी अपने को सब दिखाई देते हैं। तो ये आठों सागर मूल मिलावे के, तो उसका सुंदर विस्तार किया है दोनों महाराज शिव जी ने, दोनों का वर्णन करती हूँ। तो ये अष्टो समुन्दर श्री राज श्री ठकरानी जी और समय श्री सुंदर साह जी जो वाहिदत में है, इन वाहिदत के अंगन में जो शब्दातीत सच्चिदानंद की नूरमयी सामग्री है वह चिद रूप सामग्री आठों दिशाओं में आठ सागर हुए हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की परछाई पड़ती है, ऐसे ही श्री राजी के अंग में मूल चिदानंद गुण के गंजान गंज अपरंपार जो समुन्दर भरे हैं। बता रहे हैं कि जैसे सूरज और चंद्रमा की परछाई प्रतिबिंब पड़ता है, तो इसी प्रकार से राजी महाराज के उन स्वरूप के अंदर जो बेशुमार अनंत गुण भरे हैं, उनकी एक बूंद कहें, उनकी एक छलकार कहें, उनकी एक प्रतिबिंब कहें, उससे आठों दिशाओं, आठों चारों दिशाओं में और चारों कोनों में आठ सागर हुए।
ऐसे श्री राज्य के अंग में मूल चेदानंद गुण के गंजान गंज अपरंपार भरे जो समुन्दर हैं, उन समुद्रन की अस्तु देशन में परछाई पड़ी है। उनका प्रतिबिंब एक बूंद की सिफर, उन परछाई के आठों देश विशे आठ सागर हुए। अब आगे बता रहे हैं कि सो भी स्थूल माफक कोई कोटांसा नहीं कहे जाते हैं। अब यहाँ हम दुनिया में जो सागर देखते हैं, उन सागर की गहराई भी आज विज्ञान इतनी तरक्की कर पाया, लेकिन तो भी उस सागर की गहराई उस सागर के अनंत राज को नहीं जान पाए। और ये वर्णन तो है परम धाम के सागरों का, जो धनी के ही आत्म स्वरूप है। और फिर बता रहे स्थूल से सूक्ष्म को अपार विस्तार होता है। यहाँ हम स्थूल सागर की बात करें, सूक्ष्म सागर का और विस्तार, तो ताते वा को कोटांसा बयान करते हैं। तो करोड़वे हिस्से का भी, करोड़वा करोड़वा अंश भी अगर बयान हो जाए तो बहुत बड़ी सिफत है। के शिवराजी को अब बता रहे हैं कि नूर का सागर कैसे। के शिवराजी को जो नूर को स्वरूप है, तो उन नूर के स्वरूप को नाम नूर सागर कहते हैं। तो उन नूर के स्वरूप में जो अपरंपार खुश हुई, अपरंपार बेशुमार सुगंधी नूर ज्योति का, ज्योति के अपरंपार जो नूर उनके उन वाहिदत के उन उन राज्य के स्वरूप में है। और नूर चकलाई, चकलाई अर्थात सलूक की वो सुंदरता का भरा जो सागर है, उसका प्रतिबिंब, उसकी एक फुई मात्र, एक प्रतिबिंब जो अग्नि कोने में पड़ा, उसका विस्तार हुआ अग्नि कोने में नूर सागर का। उसका विस्तार हुआ अग्नि कोने में नूर सागर का। जो जाहिरी दृष्टि से देखते हैं तो सफेद रंग का बताया गया। अब आगे है संपूर्ण सामग्री, वाणी में भी वर्णन आता है कि जल भी सफेद रंग में उज्जवल, वन भी सफेद रंग में, जिमी भी, रेती भी, पशु पक्षी सब सफेद रंग में झिलमिलाते हैं। और दक्षिण दिश भरो जो नीर को समुन्दर है। सो समुन्दर क्या है? जो दक्षिण दिशा में नीर का सागर है वो क्या है कि श्री राज्य के नूर के स्वरूप में जो अपार नूर का पानी झिलमिलाता है, राज्य का जो नूर का स्वरूप है उनमें जो जल झिलमिलाता है उन नूर के स्वरूप की, यानी उनके जो बदन है, राज्य का बदन यहाँ की तरह तो है नहीं जिसमें रोम है, नभों की तरह जगमगाता उनका जो स्वरूप है, उनमें वो जो झिल मिलाट है जल की, जैसे कि हम देखते हैं हीरा मोती आदि में जिन विश्व मुक्ता आदि नगन में पानी होता है, इन विश्व श्री राज्य के या वाहिदत के मुख में, यानी राज्य की या संपूर्ण राजी श्यामाजी सखियां जो वाहिदत का स्वरूप है, उनमें जो नूर का पानी है, उन पानी का दक्षिण दिश विषे नीर सागर हुआ, रूहों का सागर हुआ दक्षिण दिश विषे। और ये सागर है लाल रंग में झिलमिलाता हुआ। और शिवराजी के नूर के स्वरूप में जो अपरंपार उजलाई है, उज्जवलता, उन उजलाई का निजधाम दसों देश विषय मानो खीर का समुन्दर हो। इतनी उज्जवलता है, इतनी स्वच्छता, इतनी कोमलता, इतनी निर्मलता, तो दसों देश में मानो खीर का समुन्दर हो। उन खीर के सिंधु को प्रतिबिंब नैऋत्य कोने में पड़ा है, ताको नैऋत्य कोने में खीर को सिंधु हुआ। राज्य से ही संपूर्ण सागर आठों सागर मूल मिलावे के। और श्री राज्य के नूर के स्वरूप में जो शीतल दृष्टि है, उनकी जो शीतल दृष्टि रूह पर पल पल उनकी शीतलता, प्रेम रस से भीगी भीनी, अपार इश अपार लाड प्यार से भरी हुई उनकी दृष्टि में जो अपार आनंद है, शीतलता है, उनका जो अपार सिंधु है, अपार सागर है ना, श्री राज्य के नूर के स्वरूप में जो शीतल दृष्टि है, प्रेम रस से भीगा भीगा अपार इश अपार लाड प्यार, उन दृष्टि में जो अपार आनंद की शीतलता के जो अपार सिंधु भरे हैं, अपार सागर भरे हैं,
उन सागर को प्रतिबिंब यहाँ पश्चिम दिश विषय पड़ो है, ताको यहाँ दधी सागर हुआ है। यहाँ पर दधी सागर श्यामा जी के श्रृंगार का सागर, और श्री राज जी की वाहिद स्वरूप में जो अपरंपार जहूर है, अपरंपार प्रकाश है जो उनके स्वरूप को प्रकाशित करता है, जाको वार पार शुमार नहीं है, इश्क का कोई पारा पार शुमार नहीं है। उन जहूर से वायव कोने विस्तृत को सागर हुआ है, और इश्क में तो पल पल रूहे परम धाम में गर्क थी ही, है ना, पल पल वहां हम इश्क में गर्क थे। और शिराजी के नूर के स्वरूप विषय पांव तली से लेकर शिराजी का जो पूरण स्वरूप है, नख से शीर्ष तक लेकर, पांव तली से लेके कलंगी तक, यानी शीश पर जो उनकी पाग आई है, पाग पर भी जो कलंगी आई है, जितने अंग हैं, नख से शीश तक उनके जितने अंग हैं, तिन सर्व अंगन में अमृत ते कोट गुनी मीठी मिठाई भरी है, मिठास है उनके अंग अंग में, अपरंपार मिठास है, और हर एक अंग में अमृत ते कोट गुने मीठे अपरंपार मिठाई के समुद्र भरे हैं, उनके अंग प्रत्यंग में मिठास के समुद्र हैं। और इलम हम कहें तो मिठास, आज हम शिराजी को जान पा रहे हैं इलम से ही सही, चाशनी को समझ पा रहे हैं वहां के एक एक पक्षों को, तो उस इलम की मिठास से ही ना। उन समुद्र को प्रतिबिंब छाया उत्तर दिश विषय आया जो शहद सागर है, मधु सागर यानी इलम का सागर, उसमें आई पड़ी है ताको उत्तर दिश विषय शहद सागर मधु सागर हुआ है, जो श्याम रंग में शोभायमान है। धनी के इश्क के ऊपर कोई और, धनी का जो इलम है उसके ऊपर कोई इलम और नहीं आ सकता, धनी का इलम सबसे ऊपर, जैसे श्याम रंग के ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। अब देखते हैं, और वाहिदत माशूक के हृदय में जो, और वाहिदत माशूक के हृदय में जो रस है कि रात दिन 64 घड़ी इन रूहों को केवल एक आनंद दो, पल पल ये इच्छा कि मैं रूहों को आनंद दू, अनंत कोट नए नए लाड लड़ाऊं, इस रस को अपरंपार जो हृदय में समुद्र है, कि पल पर मैं अपनी रूहों को सुख दू, अखंड आनंद दू, उनसे मैं लाड लड़ाऊं, ये जो समुद्र है उनकी परछाई ईशान कोने में जो रस का समुद्र है, उन समुद्र में पड़ी है। सो रस सहित प्रेम के नव रस को उधर में लेकर 10 विध को ये सागर भयो है, 10 रंग का सागर बताते हैं ना रस सागर को, तो प्रेम के रस सहित और नव रस जो कहे गए उन सब को लेकर समाहित कर कर रस सागर की शोभा हुई है। और श्री राजी के दिल और नैनन में अपरंपार बेशुमार जो सर्व रस को और मेहर का लाड प्यार और समुंदर है, उन समुंदर की छाया इन पूर्व देश के समुद्र में पड़ी है, ताकर ये सर्व रस सागर भयो है। शिराजी के दिल में नैनों में जो अपरंपार बेशुमार सर्व रस है, सब सब नियामते, और मेहर मेहर परम धाम में है, लेकिन उस मेहर की पहचान अपने को यहाँ आके हुई, वहां हम मेहर को नहीं पहचान सकते थे, और मेहर करते भी किस पर, तो उन समुद्र की छाया इन पूर्व देश के समुद्र में पड़ी है, ताकर ये सर रस सागर भयो। और ये सर रस का समुद्र वह है, ये सर रस सागर वह सागर है कि अष्ट पहर 64 घड़ी श्री राजी के दिल में जो अनंत रसन के अनंत समुद्र है, उनकी अनंत गुण उनकी अपार नियामते, तीन हर एक समुद्र की फूई फूई में रूहों को सुख दो लाड दो, और इसके अलावा कुछ उनके दिल में नहीं है। और श्री राजी के दिल में अनंतन अनंत विदे हैं, बेशुमार नियामते हैं,
तीन सर्व अनंत विद को आशिकन को सुख देवे को कारण एक है। उनकी जो नियामते हैं उसका कारण एक ही है कि मैं अपने आशिकों को सुख दूं। कि अनंत विद सो मैं रोहन को अनंत विद से सुख दूं। इन समुद्र की प्रतिबिंब छाया सर्व रस सागर में पड़ी है। ताको पूरा देश विशेष सर्व रस सागर भयो है। पूरा दिशा में सर्व रस सागर मेह सागर। धनी के ही संपूर्ण सरू से ये आठों सागर। और ऐसा नहीं है अपने को बता दिया गया कि ये सर्व सागर है, ये नूर, ये दी, लेकिन प्रत्येक सागर में सभी सागर समाहित है, क्योंकि धनी के ही दिल से हैं और सभी सागरों में सभी सागर के गुण समाहित है। इन विदसु शिवराजी के स्वरूप में बातों सूक्ष्म अपार बेशुमार। बातों सूक्ष्म अपार बेशुमार भरी जो अखंड गुणन की समुन्दर है। उन समुद्रों का करोड़वा अंश का भी एक अंश कहे उसकी छाया बाहर पड़ी है। शिवराजी के दिल चाहिए जिन देश में जैसी जोन चाहिए, तिन के अष्ट देश विषय यानी आठों दिशाओं में आठ सागर बहे। अब यही शोभा अपन चारदस महाराज जी का भी देखते हैं। आठों सागरों की उत्पत्ति। श्री राजी महाराज के शरीर में जो सुगंधि के गंजान गण समुद्र भरे हैं, उन समुद्रों में से एक फूल उड़कर अगिन कोने में नूर सागर हो गया है। उसी को रिवाइज कर रहे हैं जो अभी अपन ने पढ़ा, वही सेम वही है, शब्दों का फेर है। श्री राजी के महाराज के अंगों में जो हीरा मोती नभों के पानी सदृश गंजान गंज जो पानी के समुद्र है, उनमें से कोई मात्र उड़कर एक बूंद मात्र उड़कर दक्षिण दिशा में लाल सागर नीता। श्री राजी के सभी अंगों में उज्जवलताई के गंजान गंज अपरंपार समुद्र है। उन समुद्रों में से एक फूल उड़कर नरते कोने में पीले रंग का शीश सागर। और शिवराजी के सभी अंगों में शीतलता की गंजान गंज बेशुमार समुद्र है। उन समुद्रों में से एक हुई उड़कर पश्चिम दिशा में दरी सागर। और शिवराजी के अंगों में जो चिकनाई के गंजान गंज अनंतानंद समुद्र है, उन समुद्रों में से एक हुई एक बूंद वायव कोने में आसमानी रंग का कृष्ण सागर। और शिवराजी महाराज के अंगों में जो गंजान गंज अपरंपार मिठास के समुद्र है, उन समुद्रों में से एक फूल एक बूंद उड़कर उत्तर दिशा में श्याम रंग का मधुसागर हुई है। और शिवराजी के हृदय कमल में, इन शब्दों को पढ़ते हुए ना सिर्फ दिल में चोट लगती है कि धनी किस तरह से शिवराजी के हृदय कमल में अपने रूहों के प्रति सुख देने के लिए गंजान गंज अपरंपार बेशुमार लाड प्यार इश्क के सागर बड़े हैं। उनमें से कोई उड़कर ईशान कोने में दस रंग का सागर। और श्री राजी महाराज के पांव तली से लेके चोटी तक गंजान गंज अपरंपार अनंत रस के समुन्दर है। इस समुन्दर की फूई फूई में एक ही कारण है कि मैं अपनी प्राण प्रिय सखियों को नए नए लाड लगाऊं, नए नए प्रकार से पल पल लाड प्यार सुख दूं। इन समुद्रों में से एक फूल उड़कर पूरा दिशा में सर्वरस सर्व रंग का सर्वरस सागर हुआ है। ये आठों सागर शिवराजी की शोभा गौरव और गरिमा के प्रतीक है। अब एक विधि का वर्णन दोनों महाराज शिव जी कर रहे हैं कि नूर सागर शिवराजी की शोभा का सागर है, सखियों की एक तनी की शोभा का सागर नीर सागर हुआ, एक तिली का खीर सागर हुआ, एक तिली खीर सागर, एक तिली का सागर, श्रृंगार जो चौथा सागर है वो दधि सागर, वो श्रृंगार का सागर हुआ, कृत सागर इश्क का, मधु सागर इलम का हुआ, रस सागर निस्बत परातम अवस्था की पूर्ण पहचान का सागर, मेहर का स्वरूप सर्वरस सागर।
चार सागर शिवाजी महाराज की तरफ माने जाते हैं और चार सागर श्री श्यामा महाराज जी की तरफ माने जाते हैं। नूर सागर, श्रृंगारकर सागर, इलम सागर, मेहर सागर, ये श्री राजी महाराज के सागर हैं। सभी राजी के दिल में, लेकिन हकीकत की लीला में ये चार सागर राजी महाराज के। शोभा का सागर, एक दिली, इश्क का सागर, निस्बत का सागर, ये चार सागर श्री श्यामा जी की तरफ लिखे जाते हैं। अब है अष्ट सागर अर्श दिल भीतर, रू की सीढ़ी है ना। वो सीढ़ी का बयान किस तरह से कर रहे हैं, दोनों महाराषि जी का एक साथ लूंगी। इस सागर का बयान क्या है, खाली इशारत है। एक इशारा किया गया है कि आत्मा को श्री परम धाम के चढ़ने को ये आठों सागर बातुन अर्श दिल भीतर बयान किया जाता है कि किस प्रकार से रूह ने धनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, उसका अर्श दिल भीतर बयान किया जाता है। रूह मोमिन की जो आत्म तन में जागृत अवस्था है, अभी बात हुई ना रस सागर यानी परात्म अवस्था जागृत अवस्था, वह है रस सागर। रूह मोमिन की जो परात्म तन में जागृत अवस्था है वह रस सागर है, और परात्म तन में जो श्री राजी महाराज का इश्क रोम रोम में भरा है वो सर्वरस सागर है। परातम तन में जो राज्य का इश्क रोम रोम में समाया है वो रस सागर है। रूह मोमिनों को खेल देखने की इच्छा हुई, तब श्री राजी महाराज ने फरामोशी रूपी आवरण डाल के स्वपन का तन बनाकर दुख रूपी माया का खेल अर्श दिल भीतर ही दिखाया। चौपाई सुपन हो दिल भीतर, रू कहूं नहीं निकसर, दिल भीतर ये खेल है ना। अर्श दिल भीतर, तब श्री राजी महाराज ने फरामोशी रूपी आवरण डाल के स्वपन का तन बनाकर खड़ा करके ये स्वपन के तन दुख रूपी माया का खेल अर्श दिल भीतर दिखाया। सुपन होत दिल भीतर, रू कहूं नहीं निकसर। रू तो धनी चरणों तले बैठी है मूल मिलावे में, ये नीर सागर हुआ। अब रू इस नीर सागर पे खड़ी है, पहली सीढ़ी हम नीर सागर पे जब खड़े हैं और संपूर्ण सागरों को उलंघकर सर्वरस सागर जो शिवाजी महाराज का स्वरूप है वहां पर पहुंचना है ना। राजी से एकाकार होना है, तीन श्री राजी से मिलने के वास्ते अर्ज विनती करती है। तब श्री राजी महाराज दुल्हन पर मेहर करके कोल रूपी बेशुमार जो शोभा है तिसको दिया, अर्थात इलम दिया। तब धनी ने दुल्हन पर मेहर करके उनको इलम दिया है ना। सतगुरु स्वरूप मिले, उन्होंने तारतम देख के धनी से आपका पालव बांधा। इस इलम के मगज भेदों को रू ने समझा, तब जानो रू शोभा के सागर पे खड़ी है, अर्थात अब रू खड़ी है शोभा के सागर पर। नीर सागर पे रू अब खड़ी है, तब रू ने सब तरह से जानकर तारतम मिल गया। अब उसकी क्या बात क्या होता है कि अंग प्रकृति अपनी दिल की सभी चित्तवृत्ति को धनी की तरफ लगाना है। तब रू ने सब तरह से जानकर अपने गुण अंग प्रकृति जो अलग अलग दिशा में दौड़ रहे थे उनको तरह तरह से समझा कर अनेक दुख सहन करके एक एक करके सबको राज्य में लगाया। अपने गुणों को, अपने अंग को, प्रकृति को, मन चित बुद्धि अहंकार को, अपनी एक एक वृत्ति को धनी में लगा दिया है ना। ये देखिए, तब रू ने सब तरह से जानकर अपने गुण अंग प्रकृति जो अलग अलग थे उनको तरह तरह से समझा कर अनेक दुख सहन करके सबको एक एक करके शिराजी में लगाया, सबको एक कर दिया। गुण अंग प्रकृति जो भी उनकी वृत्तियां हैं एक धनी के चरणों में एक चित कर दी।
तब मानो वो शीर्ष सागर जो एक दिली का सागर है, उस एक दिली के सागर में रू पहुंची। तब रू एक दिली के सागर में पहुंची। और एक दिली याद कीजिए सुंदर साजी, जब हम परम धाम में थे तो किस तरह से हम एक दिल थे। परम धाम में जब हम होते हैं तो किस तरह से एक दिल, एक के बाद के वास्ते सुख दूजी को उपजाइयो, यूं सबन की एक दिली जुदा वर्णन होवे क्यों। जब रू बात करे हक सो सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते तब सुख पावे तोय, तब सुख पावे तोय। तब मानो रू शीर्ष सागर जो एक दिली का सागर है, उस एक दिली के सागर पे पहुंची। अब जब रूह एक दिल हुई, धनी का इलम मिला, तारतम हमें मिला, आपस में बैठ के हम सत्संग कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, अपने मन चित बुद्धि अहंकार को धनी की तरफ, धनी के चरणों में पल पल धनी की वाणी में झीलना कर रहे हैं, चाशनी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, चितवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जब रूह ने एक दिली करी, तब रूह ने विरह रूपी श्रृंगार किए। तब बाद में रू ने विरह रूपी श्रृंगार किए। जैसे जैसे धनी की पहचान हुई, धनी के लिए तड़प जागी, तब रू ने विरह रूपी श्रृंगार किए। अर्थात वह गुण अंग इंद्री के सहित श्री राज्य का विरह करने लगी। तब जानो रू दधी जाकर जो श्रृंगार का सागर है, उस श्रृंगार के सागर में पहुंच गई। अब रू श्रृंगार के सागर में पहुंच गई। अब वो पल पल शहूर करेगी, अपने अंदर भी शहूर करेगी, अपने धाम सखियों से भी शहूर करेगी। दुख उठाकर तो एक दिली किया, एक दिली होने से रू विरह रस को प्राप्त हुई, दुख से विरह आवही। तब रू ने विरह के बस्तर गोखन धारण करे, सांस सांस में श्री राजी की पुकार, एक एक सांस में राजी की पुकार। तब श्री राजी महाराज ने कृपा करके अपने जोश का जो नूरमयी स्वरूप था अर्श दिल में दिखाया। तब रू दधी सागर से नूर सागर में पहुंची। जब सांस सांस से पुकार, मेरे धनी मेरे पिया मेरे श्रीराज श्यामा जी, तो एक एहसास होता है, एक नूर का आवाज धनी देते हैं, तो मानो रू नूर सागर में पहुंची। ये देखिए, दुख उठाकर तो एक दिली किया, और एक दिली होने से रू विरह रस को प्राप्त हुई, दुख से विरह आवही। जब रू ने विरह के बस्तर गोखन धारण किए, तो सांस सांस में शिराजी को पुकारने लगे। तब शिराजी ने कृपा करके अपने जोश का जो नूरमयी स्वरूप था उसको अर्श दिल में दिखाया। तब मानो रू दधी सागर से नूर सागर पर पहुंची। रू दधी सागर से नूर सागर में पहुंची। तब नूर के स्वरूप में रू के प्रति कृपा करके इश्क दिया। अब नूर कहाँ भेजता है? नूर का आभास, धनी का आभास। अब रू और धनी को जानना चाहती है और धनी को पाना चाहती है, तो नूर सागर अब यहां से कहाँ पर? तब नूर के स्वरूप ने रू के प्रति कृपा करके मेहर करके इश्क दिया। तब मानो रू कृत के सागर, इश्क के सागर पर वहां पहुंची। अब रू पहुंच गई कृत सागर में। इश्क के सागर ने रू के प्रति पूर्ण तरह का इश्क देके उत्तर दिशा में जो मधु सागर, इलम का सागर है, इलम के सागर में पहुंचाया। अब इश्क और इलम की अवस्था अरस परस है। जैसे जैसे इश्क प्रगाढ़ होता है, रूह उतना उतना इलम में उतरती है, उतना धनी के हर भेद को जानना चाहती है, एक एक वाणी का, एक एक चौपाई का, भीतर साहेब बड़ी वृत्ति, एक एक पक्ष को अच्छे से लेना चाहती है। और जैसे जैसे इलम दृढ़ होता है, उसकी मिठास और उस मिठास के स्वरूप इश्क भी
गहराता जाता है। तो इश्क और इलम की अवस्था अरस परस। इश्क के सागर ने रूह के प्रति पूर्ण तरह का इश्क देख के उत्तर दिशा में पहुंचाया। उत्तर दिशा में मधु सागर इलम सागर है, वहां इलम के सागर पर पहुंच गए। तब इलम के सागर ने सब बातों की पहचान कराई, इलम ने सब विध की पहचान दी। तब अपने परातम तन की पूर्ण पहचान हुई, तब अपने परातम तन की पूर्ण पहचान हुई। धनी की अंगना की पूर्ण हुज्जत भर गई। तब वह रुद्र सागर जो निस्बत का सागर है वहां पर पहुंची। नूर ने इश्क दिया, इश्क ने बेशक इलम दिया। एक सेकेंड, नूर ने इश्क दिया, इश्क ने बेशक इलम दिया, बेशक इलम ने परातम तन में पहुंचाया। जब रूह परातम तन को पहुंची, तब वह रूह परातम को तन को लेकर तब वह रूह परातम तन को लेकर श्री राजी महाराज सिंहासन पर जो विराजमान है उनसे अंगो अंग लिपटी अर्थात भेंटने लगी। इस तरह से रूह नूर सागर से सर्वरस सागर। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा और देखते हैं, जुगलदास महाराज जी से थोड़ा और विस्तार किया है कि जब इलम रूपी इश्क के सागर ने रू को रस सागर में पहुंचाया, जिसको निस्बत का सागर कहते हैं, यानी इलम ने अपने निज स्वरूप परातम रूप को पहुंचा दिया। इलम ने इतना दृढ़ कर दिया कि रू को अपना निज स्वरूप, अपना परातम स्वरूप, वहां तक वो रू पहुंच गई। जोई रूह को पूरन प्रेम लक्षणा आई। अब जिस रूह ने पूरन प्रेम लक्षणा भक्ति को पा लिया, ये किसको अवस्था प्राप्त होगी? जोई रूह को पूरन प्रेम लक्षणा आई, सोई अपने परातम स्वरूप की पूरन यादगिरी आई। जो उस अवस्था को पूरन प्रेम लक्षणा भक्ति की उन सीढ़ी को पार करेगी, अपने आप को धनी चरणों में सिर्फ धनी को पहले रखेगी ना, कि सिर्फ धनी मेरे धनी बस, है ना, सोई अपने परातम स्वरूप की पूरन यादगिरी आई, उसी को जाति स्मरण भएगा। सोई जाति स्मरण भयो, उसी को स्मरण होगा कि मैं कौन हूँ, मैं पिया चरणों तले मूल मिलावे में बैठी हूँ। सोई अपने तन की और अपनी चोली सारी चरणिया की खबर आई, उसको ही अपने परातम स्वरूप की खबर मिलेगी, वो ही अपनी साड़ी चोली चढ़निया की खबर लेगी। और अपने निज स्वरूप परातम से होशियार हुई, और परातम के 10 रस की लहरें आतम में उठने लगी, और रूह में पूरन दावा दुल्हन का भराया, पूरन दावा दुल्हन का भराया, और रूह को पूरन निस्बत की हुज्जत, पूरन निस्बत हुज्जत की मैं कौन हूँ, धामधनी की अंगना नाद, एक हुज्जत पूरी परिपूर्ण हो गई कि मैं हूं कौन, मैं धामी की अंगना नार हूँ। इन विध स्वरू इलम सागर से निस्बत के सागर को पहुंची, फिर निस्बत के सागर से चलकर रू सर्वरस सागर को प्राप्त हुई। इस तरह से रू सर्वरस सागर पहुंची, यानी अपने परातम स्वरूप को ओलंके आगे चिररण स्वरूप जो दुल्हा दुल्हन है उन जुगल स्वरूप के हुसन सभी सिंध में गर्व हो गई। यानी अपने परातम स्वरूप को उलंघे, अब अपने परातम स्वरूप से भी आगे चिदानंद स्वरूप जो दूल्हा दुल्हन श्री राज श्यामा जी हैं, रूहे उन जुगल जोड़ी श्री राज श्यामा जी के हुसन छवि उनके अलौकिक स्वरूप श्रृंगार जाहिरी भी और उनके दिल के अंदर भी जो गंजान गंज सुख भरे हैं उन सुख सागर में सिंधु में गर्क हो गई। अपने स्वरूप की सुध शान विसार के अष्ट पहर 64 घड़ी रूह हक के स्वरूप में मगन भई। अपने स्वरूप की शुद्धि भुला कर अष्ट पहर 64 घड़ी रूह हक के स्वरूप में मगन हो गई। श्वास श्वास पर पिया पिया तू ही तू।
इन विषिरू नील सागर से चलकर सर्व समुद्रों को मझियाई के सब समुद्रों को पार करते हुए सर्व रस रूपी जो मूल मिलावे को मूल स्वरूप है ताको मिली, है ना, मूल मिलावे जो मूल स्वरूप है उनको जाके मिली। स्वपन अवस्था रूपी नील सागर से चलकर, स्वपन अवस्था स्वरूपी जो अपना नील सागर सबसे पहले जहाँ रूह के कर्म थे, रूह महाजागृत अवस्था में पहुंची और महाजागृत दशा रूपी जो सर्व सागर है उस सागर में प्राप्त गई। ये सब जो कहा सो अर्श दिल भीतर हुआ और ऊपर हर रूह के गुजरता है, ये रूह की सीढ़ी हर रूह के ऊपर गुजरेगी, हर रूह माने सप्त भूमिका के ऊपर को चढ़ती है, सात भूमिका होती है ना, इस प्रकार से ऊपर चढ़ती है। तुरिया और तुरियातीत में होकर रूह अपने माशुक से मिलती है। इन विज से इन अष्ट सागरों का भेद माफक अपनी क्षुद्र अकल के कहा और इनमें कई कुछ आद कुछ भेद है और भी बहुत भेद है जो जाको खुदा देवे ताई मिले, जिसको खुदा देना चाहते उसको मिले। अब इन्हीं का विस्तार यहाँ पर भी देखते हैं कि ये विधि हर एक रूप पर गुजरती है, माने सीढ़ी के मान वर्णन किया है, थोड़ा सा भाषा का फर्क है, माने सीढ़ी के अर्थात सात भूमिका, जैसे प्रथम भूमिका शुभ इच्छा है जो सात भूमिका कहेगी, सबसे पहले शुभ इच्छा, दूसरी हो गई उपासना जान, तीसरी है वैराग्य, तीसरी दृढ़ वैराग्य, चौथी है ज्ञान, पांचवी जीवन मुक्ति है, छठी है विज्ञान, सातवीं तुरी अवस्था एक भूमि का सात प्रमाण। ये सात प्रकार की भूमिका बताई गई है ना, पहली शुभ इच्छा कि अपने को राजी पाना है, फिर उपासना, वैराग्य, ज्ञान, जीवन मुक्ति, छठी विज्ञान, तुरी अवस्था। तुरी अवस्था को परातम तन कहा जाता है और तुरियातीत तो शिराजी महाराज कहे जाते हैं। इस प्रकार से अष्ट सागरों का भेद अपनी छद क्षुद्र बुद्धि से कहा है, इनमें गंजान गंज भेद अपरंपार भरे हुए हैं। जिसको शिराजी अपनी मेहर की दृष्टि में लेते हैं उसी रूह आत्मा को ये अमूल्य निधि बख्शीश करते हैं। तो इस प्रकार से जाहिर बातुल दोनों वर्णन महर्षि जी करते हुए जाहिर में अपने को यह भी बताते हुए कि नूर सागर जो अगिन कोने में स्थित है, ये संपूर्ण सागर सफेद रंग में शोभायमान, हर शय जल कहे वन कहे मोहलाते कहे सुंदर सफेद रंग में, नील सागर लालिमा लिए और इन दोनों के बीच में ये जो जीनी आई है दो रंग में, क्षीर सागर एक दिली का सागर पीले रंग में, दधि सागर श्रृंगार का सागर हरित रंग में, घृत सागर आसमानी, मधु सागर श्याम रंग, रस सागर दस रंग में और सर रस सागर में सभी रंग समाहित है। पर एक-एक सागर में भी ये आठों आठों सागर सभी समाहित है। और ये बात भी है कि एक अगर अपन हकीकत की लीला में देते हैं तो ये बात भी है, ये बात हो गई नूर सागर राजी की शोभा का सागर, सखियों की एक तिनी का सागर हो गया नील सागर, खीर सागर हुआ अपना एक तिनी का सागर, खीर सागर हुआ श्रृंगार का, दधि सागर हुआ इश्क का, घृत सागर इलम का, मधु सागर निस्बत का, रस सागर और मेर का स्वरूप सर्व सागर। चार सागर शिवाजी महाराज की तरफ और चार सागर श्री श्यामा महारानी की तरफ, राजी के हैं नूर श्रृंगार का इलम का और मेर का, ये राजी महाराज के सागर हैं। शोभा का सागर, एक दिली का सागर, इश्क का सागर, निस्बत का सागर, ये चार सागर श्यामा जी की तरफ लिखे जाते हैं, है ना। अब आप जैसे देखिए एक तिली और इश्क के सागर, इसमें तो अपन दृढ़ है कि हम परम धाम में उसमें गर्भ थे, पहचान नहीं थी हमको, आठों सागरों की पूर्ण लज्जत हमने यहाँ आकर ली, लेकिन इन चार सागरों में कुछ कुछ हम वहां गर्भ थे, लेकिन हम देखे इलम, इलम का इलम परम धाम में संपूर्ण है लेकिन अपने को इलम की शुद्धि नहीं थी, मेहर की शुद्धि अपने को नहीं थी, धनी के पूर्ण स्वरूप की शुद्धि हमको नहीं थी, तो
तो इन पूर्ण पहचान करने के वास्ते, इन आठों सागरों के सुख देने के वास्ते, ये आठों सागर अगर रुच जाए तो आठों सागर की लज्जत इन संसार में बैठ के ले सकती है। आठों सागरों की पूर्ण पहचान, धनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान हम कहते हैं ना सागर के किनारे बैठकर ही ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बयान सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी ने, जोगलदास महाराज जी ने, तो आपको जो भावे सुंदर साहब जी लीजिए, प्रणाम जी।